कहाँ तक पढ़ लिया था आप लोगों ने? आपने पीएनडल अप्रोप्रिएशन वाले क्वेश्चन किया था, जिसमें आपने पीएनडल अकाउंट, ट्रेडिंग पीएनडल और बैलेंस शीट पूरा देखा था। हो गया घर पे? ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा था, है ना? ओके, लिख लिए इसके आंसर भी घर पे वापस। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हाँ सर, हो गए सारे। ओके प्रदीप, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हाँ, तुमको पूरा शीट देने के बाद तो तुम क्या आगे क्वेश्चन भी फिल कर लोगे आंसर, क्योंकि पढ़ा हुआ तो है ही सारा। हाँ, कुछ कुछ लोग होंगे भी जो लोग आगे तक कर भी ले होंगे, क्योंकि पार्टनरशिप का किसी किसी को शौक होता है ना कि हाँ अरे पार्टनरशिप है। हाँ, मेरे जैसे को जैसे कंपनी का है। हाँ, कि कंपनीज का अकाउंटिंग का, वैसे कुछ लोगों को पार्टनरशिप का भी है। हाँ, तुम लोगों का कंपनी का कम है। हाँ, किसी को दोनों का ही नहीं है। चलो ठीक है, सोनल मैम की कोई क्लास लेता है? हाँ, अब देखो। हाँ अब देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फटाफट पढ़ते हैं ना, 45 मिनट में तो बहुत कुछ कवर कर देंगे अपन यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स जब विड्रॉ करते हैं पैसा टाइम टू टाइम, परमानेंट कैपिटल होता है एक तो विड्रॉ, और एक होता है क्या, टेम्परेरी कुछ अमाउंट विड्रॉ करके ले गए जो आप वापस डिपॉजिट करवा देंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट किस पे बात हो रही है, वो जो टेम्परेरी ड्रॉइंग्स हो रहा है, टेम्परेरी ड्रॉइंग्स हो रहा है जिसको वापस क्या कर दिया जाएगा, डिपॉजिट करवा दिया जाता है। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होगा सर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? तो ऑब्वियसली वो जो पार्टनर्स विड्रॉ करके ले जाते हैं उस पे पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, खर्चा की इनकम। इनकम है ऑब्वियसली, जब पार्टनर्स विड्रॉ करके ले जाएंगे तो उसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए तो क्या है, ये इनकम है। चलिए ओके ओके विशाल, इनकम। हाँ जी, इट शुड बी कैलकुलेटेड। अब ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ द अमाउंट, जिस दिन आपने विड्रॉ किया वहां से इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए पार्टनर ने विड्रॉ किया 1 जुलाई को, 31 मार्च एंडिंग है, क्लोजिंग ऑफ द ईयर, तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा उस पर, उसकी ड्रॉइंग्स पर, उसकी ड्रॉइंग्स पर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 1 जुलाई को विड्रॉ किया तो जुलाई से लेकर मार्च कितने महीने, 9 महीने, इधर काउंट करने की जरूरत नहीं, अप्रैल मई जून हटा दे, 12 माइनस 3 बाकी बचे 9, है ना 9। वैसे भी अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और 1 जनवरी, ये तो वैसे भी याद रहते हैं ना कि 1 अप्रैल के बाद अप्रैल मई जून 3 महीने, फिर जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने, देन अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने, और जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने। ठीक है, ओके ओके। उम्मीद, इन द एब्सेंस ऑफ डेट ऑफ विड्रॉल, अच्छा डेट ऑफ विड्रॉल नहीं ले रखा, सिर्फ इतना सा ले रखा है इतने रुपए विड्रॉ किए, तो क्या करोगे, इंटरेस्ट शुड बी चार्ज फॉर द 6 मंथ। डेट अगर ना दे रखा हो तो 6 महीने का लगा दो, सिंपल। ओके, ऑन द होल ऑफ द अमाउंट, बिकॉज इट इज एज्यूम दैट ड्रॉइंग्स वर मेड इवनली थ्रू आउट द ईयर, ये मान लिया जाएगा कि हर बार थोड़ा 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 पैसा, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा मिड में निकाला जा रहा है, 15 तारीख को, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, ऐसा हर बार, या फिर ये मान लिया जाएगा सिंपली 6 महीने का, इतना सा दिमाग लगाओ, हर 6 महीने का आप लगा देंगे अगर डेट ना हो तो। मेथड्स क्या है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के, अपने पास दो मेथड्स हैं, एक सिंपल मेथड होता है और एक प्रोडक्ट मेथड होता है। कैसे काम करते हैं ये दोनों मेथड, इसको जानने के लिए अपने पास ये क्वेश्चन, आर्यन। हाँ आर्यन, तेरे नाम पे बनाया मैंने ये क्वेश्चन। आर्यन इज अ पार्टनर इन अ फर्म। अच्छा, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा चेंज हो गया। कोई ना, इसको कर लेंगे यहाँ पे ही विड्रॉ। हाँ थोड़ा सा, हाँ जी ठीक है, पार्टनर जब पार्टनर ही विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, नाम चेंज कर दिया बट वो क्या हो गया, हाँ आगे वाला चेंज नहीं हुआ। हाँ थोड़े नोट्स क्या फटाफट बनाए हुए थे। ठीक है, तो आर्यन एक फर्म में पार्टनर है और उसने क्या किया, विड्रॉ गया अमाउंट, आर्यन की नजर कितनी जल्दी गई कि सर वो छोड़ो आगे देखो। अच्छा ऐसा क्या, ठीक है आर्यन। डेट ऑफ ड्रॉइंग 1 मई, 31 जुलाई, 30 सितंबर, 30 नवंबर, 1 जनवरी और 31 मार्च। अमाउंट 20,000, 10,000, 30,000, 40,000, 20,000 और 25,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 9% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो अलग अलग डेट को इसने क्या किया, पैसा विड्रॉ किया आर्यन ने, और अब अपन क्या कर रहे हैं इस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने हैं। इंटरेस्ट किस रेट से चार्ज किया जाएगा, 9%। दो मेथड सीखने, एक सिंपल मेथड और एक, और ऑब्वियसली आप आगे जाके कौन सा वाला मेथड करोगे, सिंपल की प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मेथड करोगे। हाँ सिंपल क्यों करोगे,
हाँ प्रोडक्ट मेथड करोगे क्यों? एक्चुअली सिंपल कौन सा है? प्रोडक्ट मेथड, ठीक है ना? चलो देखो कैसे करेंगे, सुनिएगा। पहले सिंपल मेथड की बात करता हूँ। आपको टेबल गिवन है, जिस टेबल में मैंने क्या लिख के दे दिया, डेट ऑफ ड्रॉइंग और अमाउंट, वापस वही क्वेश्चंस का पार्ट मैंने लिख के दे दिया और कुछ मैंने वापस नहीं लिखा। ये रहा सिंपल मेथड। अब अपने को इसको फिल करना है, इंटरेस्ट लगाना है, क्या रेट से? 9% से इंटरेस्ट लगाना है। अब सिंपल मेथड में क्या होगा, सिंपली इतना सा देखना है कि जैसे आपकी फर्स्ट विड्रो है, आपका फर्स्ट विड्रो कब हुआ? 1 मई को। तो 1 मई से लेकर ईयर एंड, ईयर एंड कितना है? 31 मार्च। 31 मार्च, तो 1 मई से लेकर 31 मार्च, ये जो आपने 20,000 रुपए विड्रॉ किए, वो कितने महीने के लिए आपके यहाँ पे विड्रॉ रहे, बताइएगा? अप्रैल मंथ छोड़ दो, हाँ जी 11 महीने, तो मैं लिख देता हूं यहां पर पीरियड, अब मंथ अप टू 31 मार्च, 11 महीने। ओके प्रदीप, निर्भिक, यश, ठीक है। अच्छा 31 जुलाई को किया तो, हाँ जी 31 जुलाई को किया हो तो, हाँ काउंट कर सकते हैं 8 महीने। ओके उम्मीद, निर्भिक, ठीक है जी। 30 सितंबर को किया हो तो, अक्टूबर से लेकर मार्च 6 महीने, अक्टूबर से लेकर मार्च, डेट भी देखना पड़ेगा ना सब कुछ। ओके 30 नवंबर को किया हो तो 4 महीने। ओके प्रदीप, निर्भिक, दिशा, 4 महीने। ओके मनीष, हाँ जी। उसके बाद 1 जनवरी को किया हो तो 3 महीने। ओके आर्यन, और 31 मार्च को किया हो तो, ठीक है जी, जीरो। ओके जीरो। बस हर एक ड्राइंग के लिए अपन ने देख लिया कि भैया कितने महीने के लिए वो पैसा विड्रॉ रहा। अब अपने को इंटरेस्ट लगाना है, तो उठाएंगे कैलकुलेटर और क्या करेंगे, 20,000 रुपए 11 महीने के लिए विड्रॉ रहे, तो लगा दीजिए 20,000 × 11 महीने × 9% कितना, 1650। ओके 10,000 रुपए 8 महीने 9%, 10,000 रुपए 8 महीने और 9%, 600 रुपए, ठीक है 599 point something आ रहा होगा ना, क्योंकि तुमने पहले डिवाइड कर दिया बाद में मल्टीप्लाई, अगर पहले मल्टीप्लाई करके बाद में डिवाइड कर दोगी ना तो सही आंसर आ जाएगा। एक सेकंड, 600, फिर क्या बताया मनीष, 1350, 1200 और 450 और जीरो। जरा इन सबका टोटल करना, 5250 आ रहा है। ओके हाँ जी लिख लीजिए फटाफट से। तो सिंपल मेथड इतना सिंपल था ना, क्या हो गया, वो प्रोडक्ट मेथड है। हाँ जी कोई ना। ओके प्रदीप, चलिए सिंपल मेथड तो आ गया, अब प्रोडक्ट मेथड कैसे होगा सुनिएगा, एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो, ये जो भी अभी आपने कैलकुलेशन की, इसमें आपने कैसे किया होगा, पहले का आपने क्या किया होगा, 20,000 रुपए वेट 20,000 रुपए इंटू 9% इंटू 11 मंथ्स के लिए क्या किया होगा, 11/12 किया होगा, डिवाइड बाय 12 भी तो किया होगा कुछ बच्चों ने, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 11 कर दिया, डिवाइड बाय 12 भी किया ही होगा तभी आंसर आया होगा। अब एक बात बताओ, ये चीज हर में हुई होगी ना, 10,000 × 9% × 8/12, फिर 30,000 × 9% × 6/12, दैट मीन इन सब में कॉमन क्या था इसमें, हाँ जी इनमें कॉमन था 9% और डिवाइड बाय 12, ये दो चीजें कॉमन थी ना, तो बार बार करने के बजाय एक बार ही कर दें इनको, हाँ जो कॉमन है उसको एट लास्ट कर देंगे, बाकी हम पहले कर लेते हैं। जैसे 20,000 अमाउंट है 11 महीने के लिए, तो अपन इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में ऐसे ही सब अमाउंट को 10,000 × 8, 30,000 × 6, 40,000 × 4, 20,000 × 3, 25,000 × 0 मल्टीप्लाई कर लेंगे, और फिर एक बार में क्या कर देंगे, हाँ इन सब का टोटल करने के बाद एक बार में क्या कर देंगे, 9% से मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा क्या, जरा चेक करो।
उठाओ कैलकुलेटर, लिखो 20,000 × 11 एम प्लस, 10,000 × 8 एम प्लस, 30,000 × 6 एम प्लस, 40,000 × 4 एम प्लस, 20,000 × 3 एम प्लस, एमआरसी कर दो। मैं फास्ट था, वापस बोलूं? सुनो, 20,000 × 11 एम प्लस, 10,000 × 8 एम प्लस, 30,000 × 6 एम प्लस, 40,000 × 4 एम प्लस, 20,000 × 3 एम प्लस और एमआरसी कितना आया? 7 लाख आया। डम्बो यहां पे देख लेता, अपने नोट्स में देख लेता, मैं तो फास्ट हूं तो क्या हुआ। हाँ, अब 7 लाख आ गया ना। अब उसमें जो कॉमन था 9% मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 12 कर दो। ये है प्रोडक्ट मेथड जो आपने बचपन में सीखा था, ये है प्रोडक्ट मेथड, समझ में आया? तो 9% और डिवाइड बाय 12 कॉमन था, वो बाद में एक साथ नहीं कर दो। अच्छा, और बचपन में हम देखते थे, अरे पता नहीं ये क्या करवा दिया। हाँ पता, भाई बचपन में ऐसे पढ़ाया जाता था, अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट आर कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग ईच सेट ऑफ ड्रॉइंग फ्रॉम इट्स ड्यूरेशन। प्रोडक्ट कैलकुलेट करना अमाउंट को किससे मल्टीप्लाई करके, उसके ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करके, देयर आफ्टर द डिफरेंट प्रोडक्ट आर एडेड, फिर सारे प्रोडक्ट का टोटल लगा देना और फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना ऑन द टोटल ऑफ प्रोडक्ट फॉर 1 मंथ। अब ये समझ में नहीं आता था भैया, 1 महीने के लिए क्यों कैलकुलेट करें? फॉर 1 मंथ फॉर्मूला देते थे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100 × 1/12। तो याद रखना पड़ता था, अच्छा 1 महीने के लिए कैलकुलेट करना है। अरे भैया मल्टीप्लाई बाय 1 का कोई रोल नहीं होता, इसीलिए वो 1 महीने के लिए बोल दिया, तुमको गुमराह किया। काय को करना 1 महीने के लिए कैलकुलेट, बताया ना कॉमन चीजें निकालना, मल्टीप्लाई बाय 9% डिवाइड बाय 12। अब ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1 लगाना चाहो तो तुम लगाए, तुम्हारी इच्छा, इंटू 1/12, समझ में आया? ओके, तो लॉजिक से समझना। तो अभी प्रोडक्ट मेथड को फिल करो। प्रोडक्ट मेथड में आपको डेट ऑफ ड्रॉइंग दे रखा है, अमाउंट दे रखा है और पीरियड भी दे रखा है। पीरियड इसलिए दे रखा है क्योंकि आपने पहले कैलकुलेट कर लिया अभी अभी, तो मैंने लिख के दे दिया। मैंने कहा छोड़ो, वापस थोड़ी लिखेंगे बच्चे, इतनी मेहनत थोड़ी करते हैं। हाँ, अब देखो प्रोडक्ट 20,000 × 11 कितना, 2,20,000 फिल कर दो इसको, 10,000 × 8 80,000, 30,000 × 6 180,000, फिर 1,00,000, फिर 60,000 और फिर 0। टोटल आ गया कितना, 7 लाख। ओके, टोटल आ गया कितना, 7 लाख। और बस अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिख दीजिए यहां पर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू 7 लाख। हाँ, अब जो कॉमन था मल्टीप्लाइड बाय 9% और डिवाइडेड बाय 12, अब इंटू 1 करना चाहो तो कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। हाँ जी, कितना, 5,250 लिख लिया। बातें कर रहे हैं, लिख फटाफट, कोई बात नहीं, लिखेगा तो सही, नोट्स तो फिल करेगा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, देखो लिख लिया, वेरी गुड। हाँ जी, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का और आगे क्वेश्चन देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का और आगे क्वेश्चन देखते हैं, और इसके लिए अपन क्या पढ़ते हैं देखो। हाँ जी, मेथड्स देखिए, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड। अब एक ये लाइन कौन सा, दिस वन, व्हेन इक्वल ड्रॉइंग्स आर मेड विद इक्वल टाइम गैप, इक्वल ड्रॉइंग्स, इक्वल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स आर मेड विद इक्वल time gap, then interest can be calculated for average period on total drawings. वापस बोलता हूं जो काम की बात है, equal amount of drawings, मान लीजिए 10,000 रुपए, equal time gap, बोले तो equal time gap कितना भी हो सकता है, हर महीने की पहली तारीख, हर महीने के मिड में, हर महीने के एंड में, हाँ जी, हर क्वार्टरली के स्टार्टिंग में, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी, हर क्वार्टर के एंड में, हर क्वार्टर के मिड में, तो टाइम गैप कुछ भी हो सकता है ना, हर 6-6 महीने से, ठीक है ना, हर 6-6 महीने से कुछ भी हो सकता है कि भैया 6 महीने चाहे ना, तो इक्वल ड्रॉइंग्स, इक्वल टाइम गैप। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, फॉर द एवरेज पीरियड। अभी एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन कैसे होगा देखेंगे,
ऑन टोटल ड्रॉइंग्स, जितना भी आपने विड्रॉ किया, मान लीजिए 10,000 आप हर महीने कर रहे हो, तो टोटल ड्रॉइंग्स कितना हो गया 1,20,000। तो 1,20,000 पे हम एवरेज पीरियड के लिए क्या कर देंगे, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर देंगे। तो सर हम अभी जो पढ़े थे वैसे नहीं कर सकते क्या? मैंने कहा वैसे भी कर सकते हैं पर टाइम लगेगा। अभी आप सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड पढ़े तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक और ऑप्शन अपने को मिल गया कि भैया इक्वल ड्रॉइंग्स कर रहे हो, इक्वल टाइम गैप से कर रहे हो, तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप एवरेज पीरियड के लिए क्या कर सकते हो, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। अभी एवरेज पीरियड कैसे आएगा, याद है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स डिवाइड बाय टू, डिवाइडेड बाय टू और कुछ नहीं, एन वन कुछ नहीं, डिवाइड बाय टू, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, एक पहली ड्रॉइंग के बाद कितना टाइम बचा, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाय टू। ओके, तो इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन कीजिएगा, दिस वन, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ मिस्टर अरुण एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बताना है, चलिए फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ मुझे, केस ए, हाँ जी आपने शीट पे कहीं मत लिखना, शीट पे कहीं मत लिखना, हाँ रफ में कैलकुलेट करो। इफ यू विड्रॉ 5,000 पर मंथ इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो मैंने सबसे पहले तो ये देखा क्या इक्वल अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है, हाँ जी, क्या इक्वल टाइम गैप से, हाँ जी, हर महीने की शुरुआत में, तो एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर दो, टोटल ड्रॉइंग्स निकाल दो, तो हर महीने की शुरुआत में 5,000 मतलब टोटल 12 महीने में कितना, 60,000 रुपए। अच्छा एवरेज पीरियड कितना रहेगा, एवरेज पीरियड मैंने कहा हर महीने की शुरुआत में ना, तो इसका मतलब 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, राइट, तो फर्स्ट ड्रॉइंग्स कब हुआ होगा, फर्स्ट ड्रॉइंग हुआ था 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल के बाद कितना टाइम लेफ्ट है, 31 मार्च तक पूरे 12 महीने, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च पूरे 12 महीने, अच्छा जी, और लास्ट विड्रॉ कब किया होगा आपने, 1 मार्च को, हर महीने की शुरुआत में ना, तो 1 मार्च को विड्रॉ किया होगा आपने, तो 1 मार्च से 31 मार्च तक कितना, 1 महीना, तो 12 और 1 13 डिवाइडेड बाय 2 6.5। तो अब आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, 60,000 इंटू सिक्स कितना परसेंट, 10% इंटू 6.5 डिवाइड बाय 12 कितना, 3250। श्योर, चेक कर लेता हूं मैं आंसर, क्या रहा आंसर, यस इट इज 3250। आपको आंसर दे रखा है मैंने, 60,000 10% 6.5 महीने का। एवरेज पीरियड कैसे आया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाय 2। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है ये, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है, पहली ड्रॉइंग के बाद कितना टाइम बचा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ या फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय टू। क्लियर है, तो पहली विड्रॉ 1 अप्रैल को ही और लास्ट विड्रॉ 1 मार्च को ही, तो 1 अप्रैल के बाद तो पूरे 12 महीने और 1 मार्च के बाद 1 महीना। ओके सर एक बार, हाँ अभी तो आ गया ना प्रदीप, 12 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 समझ में आया, हाँ ओके चलो, हाँ टेबल तो याद करने के लिए है, क्या जरूरत है ना, अब मुझे बताते चलो, अब ट्राई करो, बहुत सारे क्वेश्चन है तुम्हारे के लिए। एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, चलो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ 5,000 रुपए यही आप करते तो टोटल ड्रॉइंग्स तो कितना हो जाता, हर महीने के लास्ट में करोगे तो भी 60,000, 12 महीने में 12 × 5,000। अब मुझे इसके लिए एवरेज पीरियड बताओ, हर महीने के एंड में मतलब 30 अप्रैल फिर 31 मार्च, देन हर महीने का एंड अप्रैल के बाद मई, 31 मई, देन उसके बाद 30 जून, उसके बाद 31 जुलाई, फिर 31 अगस्त, इस तरीके से हर महीने के एंड में। तो पहली विड्रॉ के बाद कितना टाइम बचा होगा, 11 महीने, क्योंकि पहली विड्रॉ हुई होगी कब, अप्रैल के एंड में, 30 अप्रैल को, अब 30 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितना, 11 महीने, और लास्ट विड्रॉ हुआ होगा 31 मार्च को, तो 31 मार्च के बाद 31 मार्च तक तो कुछ टाइम पीरियड बचा ही नहीं, इसका मतलब जीरो,
तो 11 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, बताओ जी 60,000 10% से 5.5 महीने के लिए 2750। ओके मानसी, प्रदीप, शिवानी, विशाल, निर्भिक, यश, हाँ जी कितना आया 2750। चेक कर लेते हैं, हाँ जी 2750। ओके आंसर्स भी आपको दे रखे हैं, टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत मेहनत नहीं करनी आपको। हाँ जी नेक्स्ट देखो, 5000 विड्रॉ किया ड्यूरिंग द ईयर, कब विड्रॉ किया नहीं बोला ना, अच्छा पर मंथ किया, इसका मतलब हम ये मान रहे हैं कि टोटल ड्रॉइंग्स कितना हो गया 60,000 हो गया है, टाइम पीरियड दे नहीं रखा, मतलब हम ये मान लेते हैं मिड में किया होगा, तो इसलिए मिड में किया है तो आप क्या करेंगे 6 महीने का लगा देंगे। हाँ जी, हाँ जी मिड में 6 महीने का इसलिए भी लगाते हैं कि अगर आपने हर महीने के 15 तारीख को आपने विड्रॉ किया तो पहली ड्रॉइंग्स की होगी आपने कितने टाइम के लिए, जो पहली की होगी 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल को जो ड्रॉइंग्स किया होगा उसके बाद टाइम कितना बचा 11.5 महीने, और लास्ट विड्रॉ आपने किया था 15 मार्च को, तो 15 मार्च के बाद 31 मार्च तक आधा महीना बचा 0.5, तो 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2 कितना आया 6 महीने, तो इसलिए भी 6 महीने का लग जाएगा, ठीक है ना, डेट नहीं दे रखा तो भी 6 महीने का, और अगर आप ये मानते हो कि हर महीने की मिड में किया, क्योंकि डेट दे नहीं रखा तो हर महीने की मिड में किया तो भी आप क्या कर दोगे 6 महीने का। ओके 3000 आंसर, ठीक है जी ओके चेक कर लो, हाँ जी 3000 एज्यूमिंग ये मान लिया गया है कि हर महीने के अपन ने मिड में किया है। ओके फिर नेक्स्ट 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, ये भी सेम ही हो जाएगा 3000, क्योंकि 60,000 साल भर में किया लेकिन डेट बोला ही नहीं, तो 6 महीने का 60,000 टोटल साल भर में, टोटल ड्रॉइंग्स कितना किया साल भर में, टोटल ड्रॉइंग्स कितना किया 60,000, हमने ऊपर पढ़ा था अभी अभी जब आप आए नहीं थे तब कहा था कि अगर डेट ना गिवन हो ना तो 6 महीने का निकाल देना, डेट ना गिवन हो तो 6 महीने का 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर मतलब पूरे साल भर में कितना ड्रॉ किया 60,000, डेट नहीं दे रखा कौन कितना अमाउंट कब कैसा कुछ नहीं, तो 6 महीने का निकाल देने का। ओके समझ में आया क्या, ओके डायरेक्ट 6 मंथ, ठीक है। अब चलो ये क्वेश्चन वापस आया, ये क्वेश्चन ट्राई करो, प्रोडक्ट मेथड से ट्राई कर लें या सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड देखो कैसे होता है। इफ यू विड्रॉ एज फॉलोस, क्या करना होगा अपने को, चंचल सिर्फ इतना सा करना है कि मंथ्स, हाँ जी अप टू 31 मार्च, 31 मार्च तक कितने मंथ बचे, 1 जून को विड्रॉ किया तो अप्रैल और मई हटा दो 10 महीने, 31 अगस्त को किया तो 7 मंथ्स, 31 अक्टूबर को किया हो तो 5 महीने, और 1 फरवरी को किया तो 2 महीने, और कितना अमाउंट कितने महीने के लिए किया अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट 20,000 × 10 2 लाख, 10,000 × 7 70, 18×5 12×2 और टोटल कर देंगे तो 384,000। अब इस 384 पे 10% रेट से कितना महीने का, 1 महीने का × 1/12 3,200, नहीं बताऊंगा, हाँ 3,200, हाँ 1 महीने का क्यों निकालते हैं, अगर किसी बच्चे ने लेट ज्वाइन किया है तो सुन लो, सिंपल मेथड क्या था, हर अमाउंट के लिए हम अलग अलग निकालते हैं ना, 20,000 रुपये 11 महीने 9% मान लीजिए, तो 20,000 × 9% × 11/12, फिर 10,000 × 9% × 8/12, फिर 30,000 × 9% × 6/12, अब इनमें कॉमन क्या था, 9% और डिवाइड बाय 12 कॉमन था ना, तो अपन ने क्या किया कॉमन को बाद में कर लेंगे, पहले सिर्फ अमाउंट्स को उनके मंथ से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो अमाउंट्स को उनके मंथ से मल्टीप्लाई किया फिर टोटल आया कितना, जितना भी प्रोडक्ट मेथड का टोटल आएगा वो आ जाएगा 7 लाख, और उस पर कॉमन × 9% डिवाइड बाय 12 करना था, × 1 करने तो सिर्फ यूं ही फर्जी पड़ा है, ठीक है ना। ओके ओके जी चलो अब बढ़ते हैं और आगे, चलिए बताइए 15,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के शुरू में 15,000, तो पहले तो मुझे बताओ टोटल ड्रॉइंग्स कितना, साल में कितने क्वार्टर 4, अब तो पता है ठीक है ओके 4 मतलब 60,000 विड्रॉ हुआ
और हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, मतलब पहला हुआ होगा 1 अप्रैल को, मतलब क्वार्टर कहाँ से कहाँ तक हो गए सर? क्वार्टर मतलब अप्रैल से लेकर अप्रैल, मई और जून, फिर जुलाई से लेकर जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर से लेकर दिसंबर, और फिर जनवरी से लेकर मार्च तक, ठीक है? अच्छा जी, तो एक तो हुआ होगा 1 अप्रैल को और एक हुआ होगा 1 जनवरी को, फर्स्ट क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर, मतलब फर्स्ट ड्राइंग अपनी हुई होगी 1 अप्रैल को और लास्ट ड्राइंग हमारी हुई होगी 1 जनवरी को। तो 1 अप्रैल को जब विड्रॉ किया उसके बाद कितना टाइम लेफ्ट है? 12 महीने। और 1 जनवरी को जब विड्रॉ किया उसके बाद 3 महीने, तो 12 + 3/2 देखना जरा, 60,000 रुपए पे एवरेज पीरियड 7.5 महीने के लिए 10% की रेट से 3,350। ओके यस यू आर राइट, 3,350। किसी को दिक्कत? चंदन पक्का पूरा हो गया? अरे वाह। अच्छा, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, चलिए एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर बताइए, हर क्वार्टर के एंड में, मतलब 1 अप्रैल को नहीं, 30 जून और 31 मार्च को, 30 जून और 31 मार्च को किया, तो 60,000 रुपये टोटल विड्रॉ किया, पहली ड्रॉइंग के बाद 9 महीने, लास्ट ड्रॉइंग के बाद 0/2, 4.5, तो 60,000 × 10% टू 4.5/12, 2,250। खुशी? हाँ बोलो। पहली विड्रॉ कब थी? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ, फर्स्ट विड्रॉ 30 जून, तो उसके बाद 9 महीने, लास्ट विड्रॉ 31 मार्च, तो उसके बाद महीने 0। एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ वाले में +1 किया था। हाँ +1 कहाँ लिया बी वाले केस में? +0 तो लिया था, 11 + 0 5.5, बी वाले में भी हर महीने के एंड में करोगे तो भी क्या होगा, लास्ट वाला तो 31 मार्च को हुआ था, तो 31 मार्च के बाद तो कुछ नहीं बचा, हाँ वो 1 महीना बचा, ठीक है? 12th में अपन को इतना नहीं पढ़ा पढ़ते ना अपन, हाँ ये सब 12th में भी, हाँ, ये तो कह रहा हूँ अच्छे से नहीं पढ़ते ना, या फिर होते हैं तो हम छोटे बच्चे होते हैं एकदम, तो उस टाइम इतना, हाँ, इतना याद नहीं रहता, 12th में मजे में रहते हैं क्लास क्लास में। हाँ कोई ना, क्या हो गया? अच्छा नहीं सर, अच्छे से पढ़ते थे। ओके प्रियांशी, हाँ अभी भी याद है, हाँ दीवार टेबल बनवा दी थी वही रट मार लिया था, अट्ठा रटने का नहीं, रटेंगे तो क्या क्या। हाँ हर क्वार्टर के मिड में, चलो फाइनल लास्ट बताओ, हर क्वार्टर के अगर मिड में करते हो तो, हर क्वार्टर के अगर मिड में करते हो तो दैट मीन्स आप 15 अप्रैल से लेकर जून का मिड कहाँ हुआ? 15 अप्रैल, सुनिए सुनिए, अप्रैल मई जून इसका मिड कहाँ से लेंगे सर? अप्रैल मई और जून में मई, और मई मिड है तो 15 मई, अराउंड 15 मई को अपन ने विड्रॉ किया होगा, फिर जुलाई अगस्त सितंबर में 15 अगस्त को करीब अपन ने विड्रॉ किया होगा, अक्टूबर के तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो मतलब 15 नवंबर को करीब विड्रॉ किया होगा, और 15 फरवरी आने वाली है। हाँ जी ओके, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग बट ओके, टोटल विड्रॉ तो वही 60,000। हाँ जी, पहली विड्रॉ के बाद कितना बचा? 10.5 मंथ्स, पता है ना 10.5 कैसे, प्लस लास्ट विड्रॉ के बाद 1.5, ओके डिवाइड बाय 2। देखो मिड में अगर करते हो ना, चाहे महीने के मिड में चाहे क्वार्टर के मिड में, तो 6 महीने का लगेगा, ठीक है ना? महीने के मिड में चाहे हर क्वार्टर के मिड में करो तो कितने का आएगा? 6 महीने का आएगा। ओके 7.5 कौन बोला ये? मानसी, हाँ ओके, समझ में आया सबको? मुश्किल नो, इजी क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी दे दिया, हालांकि तुमने कैलकुलेट कर लिया है। ओके बड़े खुशी आगे।
ठीक है, तो ये सारे आंसर्स मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है ना, लिखकर आपको पूरा सॉल्व करके दे दिया। चलिए अब ये ट्राई कीजिए, पी क्यू आर पार्टनर्स हैं, यू फाइंड दैट पी ड्रू 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, हर महीने की शुरुआत में किया फॉर द 6 मंथ एंडिंग 31 मार्च 2022। इसका मतलब उसने कब कब किया होगा विड्रॉ? 6 महीने के लिए किया है सिर्फ, 6 महीने के लिए। मतलब अगर मैं पहले की बात करूं, हाँ जी, अगर मैं इसकी बात करूं, 6 मंथ एंडिंग कब? 31 मार्च, मतलब 31 मार्च को जो एंड हो रहे हैं वो लास्ट 6 महीने में हर महीने की शुरुआत में विड्रॉ किया, मतलब 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जैन, 1 फेब और 1 मार्च, समझे? फॉर द 6 मंथ एंडिंग, फॉर द 6 मंथ एंडिंग आपने हर महीने की शुरुआत में विड्रॉ किया, तो जो लास्ट 6 महीने, इसका मतलब अक्टूबर से लेकर मार्च तक, उस महीने की आपने हर 1 तारीख को विड्रॉ किया। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ कितना सर? 6 महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉ 1 महीना, तो 6 + 1/2 3.5, तो 60, हाँ अच्छा, टोटल ड्रॉइंग्स कितना? 6,000 रुपए 6 महीने, 36,000, तो 36,000, हाँ जी 36,000 इंटू परसेंटेज कितना? 8%, 8%, और कितने महीने के लिए? 3.5 महीने के लिए क्या? हाँ जी 3.5 महीने, 840 बता रहे हैं बच्चे, डिवाइड बाय 12 तो हो गई ना, देख सब में हो रहा है, सब में हो रहा है, फॉर द मंथ कित, तो भी क्या हुआ, एवरेज पीरियड ऐसे निकलेगा नहीं। हाँ जी साल तो पूरा ही है, और जो ये 12 क्यों करते हो पता है? 8% पर एनम, ये सालाना की रेट है, तो 8% जो है वो डिवाइड बाय 12 के लिए। हाँ जी टेबल वेबल का क्या करना है तुमको? रटना है, लेके जाएगी टेस्ट में, एग्जाम में। हाँ जी वापस समझाओ। ओहो हो, कितना खतरनाक था। सुनो, पी में रेट गलत है और आर में सॉल्यूशन गलत है। ओके, पी में 10 की जगह कितना? 8%। हाँ ये मैंने टाइप नहीं किए थे ना, ठीक है। और आर में क्या गलत है? सॉल्यूशन गलत है, ठीक है अभी देख लेते हैं। हाँ जी, तो पी में तो अपन ये कर लेते हैं। अच्छा वापस सुनो, वापस सुन लो। हाँ ओके यश, वापस दिव्यांशु वापस सुन लो। पी ने विड्रॉ किया दिव्यांशु 6,000 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ एंडिंग 31 मार्च 2022। तो इससे क्या ये समझ में आया कि उसने कब कब विड्रॉ किया? पहले तो ये देखो, 6 मंथ एंडिंग 31 मार्च, तो जो 31 मार्च को जो डेट खत्म हो रही है, जो लास्ट डेट है, वहां पे आपने लास्ट 6 महीने में विड्रॉ किया फॉर 6 मंथ एंडिंग, हर महीने, हर महीने की कब? शुरुआत में। तो 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जैन, 1 फेब, 1 मार्च, क्या ये समझ में आया क्या दिव्यांशु? हाँ बस फिर काम हो गया। अब मतलब आपकी पहली विड्रॉ कब था? 1 अक्टूबर। तो हमने देखा 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितना बचा? 6 महीने, और लास्ट विड्रॉ था आपका 1 मार्च, तो 1 मार्च के बाद टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग कितना? 1 महीना, तो 1 महीना, तो 6 + 1/2, 3.5 महीने के लिए आप क्या लेंगे? इंटरेस्ट लगाएंगे। आ गया अब बस, तो 3.5 महीने ऑन टोटल ड्रॉइंग्स, टोटल ड्रॉइंग्स कितना? 6,000 रुपए हर महीने, 6 महीने के लिए, तो 36,000, समझ में आया। चलो नेक्स्ट ट्राई करो, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यही 36,000 रुपए आप 6,000 करके हर महीने के एंड में करेंगे, तो हर महीने के एंड में करने का मतलब हो गया कौन कौन सी डेट को? 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जैन, हाँ जी, और 28 फेब और 31 मार्च।
तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ कितना? 5 महीने, और आफ्टर लास्ट विड्रॉ कितना? 0. 5 + 0 / 2 2.5. तो 36,000 टोटल ड्रॉइंग्स हुआ उस पर. हाँ, 8% कितने महीने का? 2.5 महीने का. 2.5 महीने का एवरेज पीरियड का हम लगा देंगे, कैसा आ जाएगा? हाँ ओके. ऑनलाइन वाले बच्चों वेरी गुड. प्रदीप, भावना, निर्भिक, यश, मानसी, प्रियांशी, ओके, शिवानी. हाँ जी, समझ में आया सबको? चलो चेक कर लेता हूँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. 36,000, 8% और 2.5 महीना. और ये 2.5 महीना कैसे है वो भी बता रखा है, और किसी को नहीं आया तो मैंने डेट्स भी लिख दी है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ. तो मिडल ऑफ द एवरी मंथ मतलब 15 अक्टूबर. हाँ जी, तो 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी और 15 मार्च. तो पहली विड्रॉ के बाद कितना टाइम बचा? 5.5. और लास्ट विड्रॉ के बाद दोनों का टोटल किया 6/2, दैट मीन्स 3 मंथ्स के लिए आपको निकालना है. तो 36,000 रुपये 3 महीने के लिए 8%. तो हाँ जी, तो 36,000 रुपये 3 महीने के लिए 8% कितना अमाउंट आ रहा है? 720 आ गया ना. ओके, अपने नोट्स में करेक्शन कर लेना. यहाँ पे 3600 की जगह 36,000, और जो 4.5 है कैलकुलेशन में उसको 3 महीना करना. हाँ जी, ओके डन. ओके डन, समझ में आया ना? अभी अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का चैप्टर पूरा कंप्लीट, ये वाला चैप्टर बोले तो टॉपिक का, हाँ चैप्टर क्लोज बोलते हैं ना. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खत्म. सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, दोनों में से हम कौन सा वाला करेंगे? ऑब्वियसली प्रोडक्ट मेथड करेंगे. या टोटल निकाली या प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट और डिवाइड बाय 12, सिंपल. और अगर ऐसा मिल जाए कि इक्वल अमाउंट विद इक्वल टाइम गैप विड्रॉ हो रहा है, तो अपन फॉर एवरेज पीरियड के लिए अपन कैलकुलेशन कर देंगे ऑन टोटल ड्रॉइंग्स, ऑन टोटल ड्रॉइंग्स. ओके, आंसर सही है सर, फिर भी चाहे सॉल्विंग गलत हो. हाँ यश, वो टाइप जो करने वाले थे उन्होंने ऐसा ही किया. हाँ क्या बोल रहे हो? आ गया, ठीक है. चलिए, अरे एक और रह गया अभी, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन करिश्मा. हाँ, करिश्मा's ड्राइंग, इफ शी हैज विड्रॉन 40,000 ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10% पर एनम. तो 40,000 ड्यूरिंग द ईयर मतलब डेट बोला क्या? तो 6 महीने का लगा दे क्या? 40,000 इंटू 10% इंटू 6/12, ओके 2,000. दूसरा, 40,000 ड्यूरिंग द ईयर और इंटरेस्ट 10% बोला, पर एनम नहीं लिख रखा, क्लास में नहीं है बेचारी. कौन है ये करिश्मा? मेरे नहीं आती. अच्छा, मेरे को तो सर पार्टनरशिप का फोबिया था, बट अब इजी लग रहा है. ओके प्रदीप, अब बड़े हो गए ना तुम. चलिए बेटा, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी फोबिया मत हटा. हाँ ठीक है ना. हाँ अभी तो पार्टी शुरू हुई है. हाँ ठीक है ना. तो 40,000 × 10%, यहां पर आपको पर एनम वर्ड नहीं दे रखा ना, इसका मतलब डायरेक्ट 40,000 पे 10% लगा दीजिए. ऐसा हम बचपन में किया करते थे ना. हाँ नहीं, पा नहीं है तो कंप्लीट ईयर का चेंज होगा, पर एनम नहीं है तो डम्बो. हाँ यश, तो टाइपिंग का अभी अंदाजा नहीं है, पर एनम नहीं है तो कंप्लीट ईयर का चार्ज होगा. यस, अभी तो इजी लग रहा है, आगे का पता नहीं. हाँ नहीं, इक्वली विड्रॉ करते हैं. इक्वली कब?
गिवन होगा, टेंशन नहीं उसमें, ठीक है ना। एवरेज पीरियड के लिए क्या ऐसे नहीं बनाते ना वो क्वेश्चन। हाँ ये सिर्फ बच्चों की बातें हैं, पर एनम देंगे दिया हुआ है, पर एनम नहीं दिया हुआ है, मजे ले रहे मजे, ठीक है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, ऑब्वियसली जो रेड कोट हो रही है वो काला नहीं तो होगी ना, ठीक है ना। तो ये क्या ले रहे हैं तुम्हारे, सिर्फ कौन कौन फिरकी ले रहा है, ठीक है ना। चला ओके, नाउ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर कैपिटल तो लगाते हैं, लोन भी हाँ देते ही होंगे फर्म को। हाँ जी, अच्छा पार्टनर अपने नाम से दिलवाएगा कि अपनी वाइफ के नाम से दिलवाएगा लोन? हाँ अच्छा, तुम्हारे कहने मतलब है वाइफ से सब डरते हैं। हाँ व्यवहार की बात आ जाती है कि नहीं। हाँ मैं बोल सकता हूँ यार, देख मेरा होता तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी वाइफ का है। हाँ ठीक है ना। हाँ ऐसा, हाँ वाइफ वाइफ इनको बहुत चाहिए भैया। हाँ चलो देखो, हाँ सुनो, वाइफ के नाम से इसलिए दिलवाया जाता है क्योंकि जब पार्टनरशिप हम क्लोज हो जाती है, बंद होने का आ जाता है अगर, तो पहले वाइफ क्या है, थर्ड पार्टी है, तो पहले उसका पैसा दिया जाएगा। पार्टनर के लोन को तो बोल दिया जाएगा कि रुक अभी, तू तुम्हारा पार्टनर है, पहले थर्ड पार्टीज का पैसा, इसलिए वाइफ के नाम से दिलवा देता है। नहीं घर की बात नहीं होगी, अलग अलग है, ठीक है ना वाइफ। हाँ एक ही बात है ना चाहे। हाँ, देती नहीं है वाइफ, लेकिन ध्यान रखना तुम छोरों। हाँ ठीक है ना। हाँ तो एक ही बात नहीं है, एक ही बात बोल समझ के कर मत कर लेना, ठीक है। अब सुनिएगा आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कंपनी के लिए क्या है इंटरेस्ट ऑन लोन, खर्चा आएगी नहीं है, लोन लिया है सॉरी कंपनी नॉट इट इज पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होगा, जो लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो खर्चा है, हेंस इट इज डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट एंड नॉट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, ये कहाँ आएगा, भले पार्टनर के लोन पर हो वाइफ पर नहीं, पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को, बोले तो फर्म ने लोन ले रखा है तो भी पी एंड एल अकाउंट में ही शो किया जाएगा, क्लियर है। अच्छा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज नॉट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, इट इज क्रेडिटेड टू हिज, फर्म देगी ना लोन पर इंटरेस्ट, मान लीजिए अभी तक लोन पर इंटरेस्ट दिया नहीं है, तो जैसे ये चंदू है पार्टनर, इसने क्या कर रखा था, फर्म को लोन दे रखा था, लोन कितने का, 5 लाख रुपए का, तो 5 लाख पर मान लीजिए 10% की रेट से इसका साल भर का इंटरेस्ट कितना बनता है, 50,000। इसको पार्टनर मत बनाना, 5,000 इंटरेस्ट देगी वरना, 50,000 बनता है। अब ये 50,000 जो रुपए है इससे क्या होगा, अभी तक हमने दिए नहीं, हमारी जो पार्टनरशिप हमें इन लोगों की, फर्म ने अभी तक चंदू को पे नहीं किया, तो ये 50,000 क्या चंदू की कैपिटल में ऐड हो जाएगा या उसके लोन में ऐड हो जाएगा, उसके लोन में ऐड होगा, ये उसकी कैपिटल में, जब तक हम उसको पे नहीं कर देते दैट मीन्स अब फर्म पे 5 लाख का नहीं, 5,50,000 का लोन है, तो अगली बार हाँ ऑब्वियसली चंदू का कितना पैसा यूज कर रहे हो सेकेंड ईयर में, 5,50, तो ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट किस पर लेगा, कंपाउंडिंग इफेक्ट हो जाएगा ही जाएगा ना। हाँ सिंपल की दुनिया ही नहीं है, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट की दुनिया नहीं है, सिंपल रेट कब अपन को पढ़ा था ना, अगर सिंपल रेट चार्ज हो तो क्या होगा, कंपाउंडिंग हो तो क्या होगा, सिंपल रेट ऐसे नहीं होता, सिंपल कब होता, अगर आप उसको इंटरेस्ट दे देते, इंटरेस्ट का पेमेंट कर देते तो वो सिंपल ही हो जाता, अपने आप ही सिंपल हो जाता, क्योंकि उसका पैसा कितना इन्वॉल्व है, 5 लाख, तो हर बार फिर 5,000, हर बार आप इंटरेस्ट देते जा रहे हो उसको कैश में देते जा रहे हो, तो हर बार उसका कितना लोन है, 5 लाख, तो 5 लाख का 10% 50, 5 लाख का 10% 50, 5 लाख का 10% 50, तो ये सिंपल रेट इस तरीके से लगता है। और कंपाउंडिंग कब लगता है, जब आप उसका दे ही नहीं रहे हो तो ऑब्वियसली बेचारे का अमाउंट ऐड होता जा रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम उसको बोल देते हैं कंपाउंडिंग, पहले 5 पे दिया फिर इंटरेस्ट नहीं दिया तुमने तो वो 50,000 भी उसमें जुड़ जाएंगे, तो अगली बार किस पे दोगे, 5,50 पे दोगे, फिर नहीं दिया तुमने इंटरेस्ट चंदू को तो 5,50 में फिर 55,000 और जुड़ जाएगा, इस तरीके से इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, है ना। चलिए अच्छा टाइम हो गया क्या, ओके चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं ना। फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट फॉर्म के लिए खर्चा है ना, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू
पे नहीं किया तो कहां पे ऐड करना, पार्टनर के लोन में ऐड कर देना। ओके, और फिर इस इंटरेस्ट को हम ईयर एंड पे क्या कर देंगे, पीएनएल से चार्ज कर देंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। मुश्किल नहीं। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को कहां डालने का, जब तक पे नहीं कर देते तो उसको लोन में, उसे लोन अमाउंट को बढ़ाना, क्लियर है, उसे कैपिटल को नहीं बढ़ाना, किसको बढ़ाना, लोन अमाउंट को बढ़ाना। तो जब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो क्या उसमें बाय इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा, नहीं, क्योंकि वो तो लोन अमाउंट में ऐड होगा, कैपिटल अकाउंट में थोड़ी ना होगा। समझ आ रही है बात? लोन अकाउंट में ही ऐड ऑन होगा। फिर लोन का जैसे जैसे हाँ वो पेमेंट करते जा रहे हो, वैसे वैसे वो 50,000 दे रहे हो तो लोन टू बैंक, लोन टू बैंक, ठीक है। चलिए, नक्की कल पढ़ेंगे क्या, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, कि कैसे फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। हाँ जी, ओके, चलो अब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। क्वेश्चन वाला कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अलग से बोलेगा ना, ऑब्वियसली आ देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। कंपाउंड तभी लगता है जब आप पैसा पहले वाला नहीं दे रहे हैं, तो कंपाउंड हो जाता है। पैसा टाइम टू टाइम इंटरेस्ट देते हो तो हो जाता है, हाँ, तो वो भी कंपाउंडिंग हो जाएगा। यस, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। चलो, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।